बहुत सारे एस्पिरेंट लगातार मेहनत भी कर रहे हैं तो उनसे एक भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है। आपने 8-8 एग्जाम क्रैक किया है। प्रीलिम एग्जाम मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग था कि बार बार मैं देता रहा और मेरा नहीं होता। मैं उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और धीरे धीरे पढ़ाई करता गया तो जैसे गुल्लक में हम लोग पैसे डालते हैं वैसे हमारे अंदर ज्ञान ऐड होता चला गया। मैंने अपने जीवन में ये गलतियाँ किया है और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कभी ये गलतियाँ ना करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ आशीष कुमार मौर्य सर हैं जिनका UPPCS 2021 में चयन हुआ। तो अभी सर से जानेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सर, सबसे पहले तो आपको हमारे और जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जैसे कि आपका इस बार सिलेक्शन हुआ है, प्रिंसिपल की पोस्ट पे चयन हुआ, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारा भी डाउट है और बहुत सारे लोग का हो सकता है डाउट हो, तो जो ये जो प्रिंसिपल की पोस्ट होती है और जो ऊपर SDM या DSP की पोस्ट होती है, तो इनके लिए पढ़ाई PCS में सेम करनी पड़ती या फिर अलग कोई क्राइटेरिया है? नहीं नहीं देखिए, सिलेबस तो सिर्फ इन्हीं दो पोस्ट के लिए नहीं, उसमें जितनी भी 20+ पोस्ट होती हैं सबके लिए सिलेबस सेम है और पढ़ाई भी सेम करनी रहती है। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अपने स्थानीय विद्यालय से किया, उसके बाद में हम इलाहाबाद में आ गए। इलाहाबाद में मेरा 2001 में एडमिशन हुआ और 2004 में मैंने अपना UG कंप्लीट किया, उसके बाद में 2006 में मैंने PG कंप्लीट किया। कुछ दिनों बाद में एक क्रेट एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू मेरा रिसर्च में एडमिशन हुआ और उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई करता रहा। 2009 के बाद में मुझे कई जॉब मिलती चली गई, इस बीच में भी जो है 2004 में मुझे जॉब मिली, 2004 में, उसके बाद में 2009 और 10 में भी जॉब मिली और उसके बाद जॉब मिलती ही मिलती रही। तो आप तक अभी तक कितने सिलेक्शन, मतलब कितनी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो चुका है, कितने एग्ज़ाम्स आपने क्रैक किया है? जी, 7 एग्ज़ाम अभी तक हम क्रैक कर चुके हैं, ये 8वां क्रैक हुआ है। 8वां? जी। तो इसके लिए मतलब आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से, मतलब क्या मंत्र है कि हाँ इतने सारे एग्जाम्स, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट लगातार मेहनत भी कर रहे हैं तो उनसे एक भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है, आपने 8-8 एग्जाम क्रैक किया है, तो मतलब इसका मूल मंत्र क्या है, क्या ट्रिक्स आपने अपनाई? देखिए, मूल मंत्र कड़ी मेहनत और लगन है। अगर आपको, आपने जो डिसाइड किया है, जो सोचा है, वो करना है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एक दो बार फेलियर मिलता है आप डर के उस क्षेत्र से भाग जाएं, आप लगातार लगे रहिए, प्रयास करते रहिए और ये प्रयास ही बार बार आपको हर एक कदम के बाद में निखार लाता चला जाएगा। और कहते हैं ना कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे पास जो ज्ञान का संचय था, जब मैं और धीरे धीरे पढ़ाई करता गया तो जैसे गुल्लक में हम लोग पैसे डालते हैं वैसे हमारे अंदर ज्ञान ऐड होता चला गया। धीरे धीरे वो ऐसी कंडीशन बनती चली गई कि जो हम एग्ज़ाम देते चले गए वो निकलते ही चला गया। जी सर, ये जो PCS का फील्ड है, खासकर जो आप इस फील्ड में आए हैं, चाहे SDM बनना है या फिर DSP या फिर आप प्रिंसिपल अभी यहाँ पर बने हैं, तो इस फील्ड में आप कब आए, इसका एग्ज़ाम आपने पहली बार कब दिया था? देखिए, PCS का एग्ज़ाम तो मैंने कई बार दिया और मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा, या कह लीजिए कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी बाउंड्री थी प्रीलिम एग्ज़ाम को लेकर के। मेंस एग्ज़ाम में मुझे स्नातक के टाइम से ही कोई समस्या थी नहीं, मेरी लेखन शैली डिस्क्रिप्टिव में बहुत बेहतरीन थी। अक्सर मेरे दोस्त और जो टीचर्स मेरे टच में थे, जो प्रोफेसर्स थे, वो भी बहुत तारीफ़ किया करते थे जब मैं लिखता था। तो अगर 100 बच्चों के बीच में मैं लिखता था, मेरी कॉपी सबसे डिफरेंट होती थी। प्रीलिम एग्ज़ाम मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग था कि बार बार मैं देता रहा और मेरा नहीं होता। मैं उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, अपनी क्षमताओं पर बड़ा जो है शंका सी होने लगी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब 2017 तक मेरा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया। आफ्टर कोविड जब मैं यहाँ जॉब में था डायट प्रवक्ता में, तो मैंने फिर से अपने आप को जब देखा कि मेरे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर ऑफिसर्स वाला है, सबके बीच में मैं रह रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि मुझे उन चीज़ों को देखना चाहिए कि मेरे से कहाँ कहाँ पे चूक हुई। मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और उन सभी बिंदुओं पे मैंने काम करने की कोशिश किया।
कि जैसे करंट का एक बड़ा क्षेत्र होता है, उस पर मेरी गलतियाँ ज़्यादा होती थी, या जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री के कुछ ऐसे पोर्शन थे जहाँ से मेरी गलतियाँ बार बार होती थी, तो मैंने पूरा कोशिश किया कि उन गलतियों को अब दोबारा न किया जाए। संयोग ऐसा रहा कि प्रीलिम क्रैक हो गया। प्रीलिम क्रैक होने के बाद में जब इसका रिजल्ट मैंने देखा तो मेरे लिए इतनी होप नहीं थी, मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। अब वो हो गया, तो इसी बीच में मेरे यहाँ चुनाव चल रहा था, मेरी ड्यूटी लग गई थी उधर पचपेड़वा ब्लॉक में, और संजोग से दो लोगों की ड्यूटी लगी थी, तो एक लोग गए और मुझे थोड़ी सी फुर्सत उसमें मिल गई। उसी में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिया, तुरंत जो कुछ मेंस के मटेरियल्स होते हैं मैंने इकट्ठा किया और उसमें प्रयास करना चालू कर दिया, और थोड़े समय में मैंने मेंस की प्रिपरेशन की, और चूँकि लेखन शैली ठीक थी तो मैंने उसको अच्छे से बांधने की कोशिश किया और मेरा बहुत बेहतरीन हो गया। आपको एक बात बता दें कि मेरा जब एग्ज़ाम हो रहा था मेंस का, तो चार कमरों के कच्छ निरीक्षक पर डे मेरी कॉपियाँ देखने के लिए आते थे कि चलो उस बच्चे की कॉपी देख लेते हैं एक बार कि वो वास्तव में एक्सीलेंट है। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से ज़्यादा बिल्डअप हो गया कि आखिर क्या बात है कि रोज़ ये चार पांच लोग छह लोग मेरे पास से होके धीरे से निकल जाते हैं और कॉपी देख करके मुस्कुराते हुए कि भाई क्या बात है। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो गया था और मुझे अपने सिलेक्शन के आसार नज़र आने लगे थे। सर, जैसे कि आप इतने सारे मतलब बार दिए, तो कितनी बार आपने टोटल इस एग्ज़ाम को दिया, मतलब इस बार कौन सा अटेम्प्ट था आपका? देखिए, प्रीलिम एग्ज़ाम को लेकर के तो मेरे ख्याल से छठा अटेम्प्ट रहा होगा, लेकिन मेंस मेरा पहला था और इंटरव्यू पहला था। जो आपकी ये ओवरऑल पूरी जर्नी रही है, ये मीडियम इसका क्या था सर? मीडियम पूरा मेरा हिंदी माध्यम रहा है। जी सर। तो जब आपका मीडियम हिंदी है, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से तैयारी करें, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या आपको भी कुछ समस्याएं नज़र आई उसमें? जी, समस्या फिलहाल अभी कोई नहीं है, लोग बोल बोल के समस्याएं बना देते हैं और समस्याओं को बढ़ा देते हैं। समस्या कुछ नहीं है, आप सिलेबस को बहुत अच्छे से थारोली अध्ययन कीजिए और सिलेबस आपके दिमाग में लाइन बाय लाइन होना चाहिए, उसके बाद आप बुक्स उठाइए। और हिंदी माध्यम में बहुत ढेर सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पहले, जैसे कि हम लोग भी सुनते थे और एक डर बना रहा करता था कि अंग्रेज़ी माध्यम में चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं हिंदी माध्यम में, अब आज के डेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा सिस्टम से एक नियम के तहत एक प्रयास करने की ज़रूरत है। जी सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आपका करंट अफेयर का पोर्शन पहले से प्रॉब्लम आ रही थी, तो मतलब आपने इस बार करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ें की थी? करंट अफेयर्स के लिए देखिए, मैंने अपना 50% टाइम करंट अफेयर्स पे दिया, और जो मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल थी उनको मैंने बेहतर ढंग से पढ़ाई किया, और यूट्यूब पे कुछ करंट्स के क्लासेस चल रही थी तो उसको मैंने अच्छे से देखा और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश किया। तो वो जैसे कि सोर्स आप बता रहे हैं कि बुक्स हो गई या फिर यूट्यूब पे चैनल वगैरह, तो वो सारे अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएं। देखिए, घटना चक्र है और परीक्षा मंथन है, घटना सार है, इन सब तीनों में मैंने फोकस किया, और एक बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन की पॉलिसी रहती है तो उसको भी मैंने केयर करने की कोशिश किया। इसके अलावा ऑनलाइन चैनल के नाम तो नहीं याद है, सब्सक्राइब है एक, कोई पांडे सर का है और एक कोई बिहार के सर हैं, वो चलाते हैं, तो मैंने देखा तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। और न्यूज़पेपर वगैरह भी आप फॉलो करते थे कि नहीं? न्यूज़पेपर मैंने तो फिलहाल, देखो मैं इसके लिए तो कहना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से नहीं फॉलो किया, मैंने न्यूज़पेपर ईमानदारी से बोलें तो बहुत अच्छे से नहीं फॉलो किया, लेकिन यह है कि हर आदमी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो आप में कहते ना कि जैसे कि एक निखार आएगा, किसी चीज़ पे पॉलिश किया जाता है, तो वो स्थिति पैदा होगी। तो आप निश्चित रूप से न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर, अब ये भी बात आती है कौन सा होना चाहिए, तो जो आपको सबसे बेहतरीन लगे, पसंद आए, कोई उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि आप इस ब्रांड के पेपर को ही पढ़ें, जो आपको दिल लगे और जो सबसे आपको अच्छा लगे वो आप पढ़िए।
सर, जैसे कि आपको बार बार प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही थी, तो इस बार आपने मतलब कौन से मटेरियल या बुक सोर्स वगैरह फॉलो किए थे कि इस बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था? जैसे देखिए, मैंने 20 सालों के सॉल्व पेपर ले लिए और उस सबको मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उसको मैं एक डायरी नोट्स में अपना जो है कंप्लीट करता गया। मैंने ये देखा कि ये क्वेश्चन मेरे इतने तैयार होने चाहिए, किन्हीं भी कंडीशन में कितना घुमा फिरा गया है कभी लाइफ में गलत नहीं होने चाहिए। तो पहले मैंने ये देखा कि जो मुझसे गलतियां बार बार हो रही थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको आकर के अक्सर 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाया करते थे, और कहानी सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस की रहती है प्रीलिम में, लास्ट में जो आप बॉर्डर पर बैठते हैं। तो मैंने वहाँ से उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में करंट में मेरी गलतियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, तो उसका पोर्शन तो मैंने बताया ही कि मैंने कितने अच्छे से मेहनत किया, तो उस पर मेरा कवर हुआ। ये 2-3 मेरे वीक पॉइंट थे, इसको मैंने कवर कर लिया। और जब भी मैं थोड़ा सा असफल होता रहा था तो मैं अपनी मार्कशीट देखा करता था, तो बहुत थोड़े से अंतर हुआ करते थे, वो इस बार कंप्लीट हो गए, मेरा हो गया। तो सर, जैसे कि इतने सारे आपने एग्जाम्स निकाले, तो पहले या फिर अभी के टाइम पर आपने कोई कोचिंग वगैरह ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई ज्वाइन किया था, या फिर खुद ही तैयारी आप कर रहे थे? जी सच बताएं तो जब मैं शुरुआत में आया तो मैंने इंडिविजुअल कोचिंग 1-2 सब्जेक्ट की लिया था। जैसे मैंने शुरुआत में SK पांडे सर के हिस्ट्री का ऑप्शनल सिर्फ पढ़ा था, और ज्योग्राफी हमने एक सर से पढ़ा था, घोष सर से इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो ये तो मेरी बहुत पहले की 2007 के पहले की पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग ना ऑनलाइन लिया ना ऑफलाइन लिया। जी सर, इसके लिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो मेरे दोनों सब्जेक्ट थे, लेकिन अब जब चूंकि 1 सब्जेक्ट हो गया तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा था। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शनल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हिस्ट्री के लिए मतलब आपने क्या चीज़ें, क्या बुक लिस्ट वगैरह क्या चीज़ें फॉलो की थी? देखिए, हिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले बेसिक किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने झांसरी माली की हो गई बुक, और रोमिला थापर की, या मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्रा जी की 2 वैलूम हैं उसको, हरिश्चंद्र वर्मा जी की, BL ग्रोवर की, और सुमित सरकार जी की, इन किताबों को पढ़ रखा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, और हिस्ट्री पे मेरा ठीक ठाक कमांड हो गया था। तो कहते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री में आपका एक व्यू बनना चाहिए, आपको एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। सन याद नहीं हो रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सन को याद करने की तुरंत बहुत ज़रूरत भी नहीं है, आपको एक कहानी समझ में आ जाए और उसके बाद में उन चीज़ों का आप विश्लेषण करना जाने, आप उस पर आप एक नया व्यू रखना जाने। इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संख्या इतिहास पढ़ने वाले लोगों की है, लेकिन एक्चुअली दे नहीं पाते वो सही चीज़ों को, उस वे में ले नहीं पाते। तो आप इतिहास को पढ़िए, और आप ये देखिए, जब आप सतीश चंद्र जी की किताब को पढ़ रहे हो तो आप देखिए कितनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन उन्होंने कितने सरल ढंग से दे करके रखी है। मुगल कालीन जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कितने मतलब चीज़ को कितने अच्छे से विश्लेषण करके उन्होंने बता दिया, और ऐसे मौके भी दिए कि आप भी विश्लेषण करिए, तो ठीक है, वही चीज़ आप अच्छे से समझ आ जाती है आपके अंदर, और वही एनालिसिस अगर आप अपने कॉपी में करते हैं तो वही चीज़ आपके लिए काफ़ी फलदायी हो जाती है। सर, जो GS का चारों पार्ट होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? देखिए, बुक लिस्ट तो मैंने कोई फॉलो बहुत बड़ी नहीं किया था, टेक्स्ट बुक और NCERT तो मैंने पढ़ ही रखी थी, तो मेरे माइंड में सब कुछ लगभग क्लियर था कि जो है आधारभूत चीज़ें कहाँ से उठती हैं। इसके बाद में चूंकि मेरे पास समय कम था, तो लास्ट में मैंने घटना चक्र की जो 4 वैल्यूम आती हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th पेपर की, उसको मैंने ले लिया, और उसमें एक क्वेश्चन दिए हुए थे, तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और जो इसमें वर्तमान में क्वेश्चन के टाइप्स जो दिए गए हैं उनको देखा, दोनों को मैंने मैच किया और ये देखा कि मैं कहाँ से अच्छे से कर सकता हूँ और कैसे मुझे प्रश्नों को आंसर को बांधना है, वो मैंने प्रयास किया और वहीं से मुझे जो है काफ़ी अच्छा रास्ता मिल गया। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप NCERT पढ़े हैं पहले से, तो NCERT मतलब किस तरीके से आपकी इस एग्ज़ाम के लिए हेल्प करती है? एग्ज़ाम के लिए हेल्प तो कहने का मतलब यह है ना कि अगर आप बहुत अच्छे, आपको समझ नहीं है उस सब्जेक्ट के प्रति, तो आप जब 6th, 7th, 11th की जो है आप NCERT पढ़ते हैं तो बहुत एक साधारण सी एक पिक्चर आपके दिमाग में पहले बनती है, और उससे जब आपकी जो है उस सब्जेक्ट के प्रति अवधारणा स्पष्ट होनी चालू हो जाती है,
तो जब उससे कोई और एबव चीज़ें आती हैं तो उसको आप बेहतर ढंग से करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं ना कि जब मकान बनाते हैं तो उसके पहले मुझे नींव और एक अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। आप NCERT अगर पढ़ते हैं, अगर आपके पास समय है उसको आप पढ़िए, वो आपके लिए एक अच्छे नींव का काम करेंगी, एक बेहतरीन जो है DVC जो है आपकी बिल्डअप होगी। जी सर, जो सबसे पहला पेपर होता है SA का होता है, तो SA के लिए मतलब क्या खास कोई चीज़ें? जी नहीं, देखिए मैंने PG आर्ट से किया है। मेरा सब्जेक्ट पेंटिंग्स था और पेंटिंग में मेरी बड़ी अच्छी पकड़ थी। मेरा पहले ही क्वेश्चन आ गया था कला से संबंधित, उसको मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से किया, इतने अच्छे से कि शायद ही किसी का वैसा निबंध का पेपर रहा हो। तो ऐसे के लिए मेरी कोई बहुत स्पेशल तैयारी नहीं रही। हाँ, यह है 3 पार्ट उसके होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस को जैसे आर्थिक प्रक्रिया के तहत कौन कौन से आते हैं उस टॉपिक को मैंने सेपरेट कर लिया था और उन कुछ बिंदुओं को मैंने कर रखा था कि हाँ अगर ये आते हैं तो इन्हीं के इर्द गिर्द मुझे अपनी पूरी जो है फ्रेमिंग करनी है, और वो मैंने उस ढंग से कर दिया। तो इसके लिए आपने कोई अलग से बुक वगैरह पढ़ी थी, या फिर जो पेपर्स वगैरह सारे पढ़ते हैं फोर्थ बस बस जी? बस 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 वही सब पढ़ते हुए, बाकी मैंने कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ा। जी जी सर, इसमें एक पार्ट होता है हिंदी का, शायद दूसरा ही पेपर होता है, तो जी उसके लिए आपने कोई बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? एक सॉल पेपर आता है शिल्पी का, मैंने हिंदी के लिए सिर्फ वही पढ़ा। और उसके बाद में एक हिंदी की हरदेव बाहरी जी की बुक आती है, उसमें मैंने जैसे कि मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, या कुछ इसके फॉर्मेशन, मैंने वो चीज़ कर करके थोड़ा सा कोशिश किया था। जी सर, तो बहुत ज़्यादा तो उसको मैंने डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन पहले जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे आए थे उसको सॉल्व किया, उससे मिलता जुलते कुछ जो है और चीज़ें जो मिली उसको मैंने ऐड किया उसमें। जी जी सर। सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मान लीजिए नए तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बार जब तैयारी की फील्ड में आते हैं तो सोचते हैं कि हमें चलिए कहीं कोचिंग कर लेते हैं, जी तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग की इतनी नीड होती है, या फिर ऑनलाइन आज के टाइम में बहुत सारा चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, तो किस तरीके से मतलब बच्चे अपनी तैयारी स्टार्टिंग में मैनेज कर सकते हैं? जी आपके सबसे जितने अभी तक आपने सवाल किए उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवालों में से एक है मेरी जानकारी के अनुसार। देखिए, जब बच्चों के सामने भावात्मक और मनोवैज्ञानिक ये दो टाइप की ऐसी समस्या होती है कि जिससे वो जूझ रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा होता है। इंटरमीडिएट में जब बच्चा निकल करके आता है और वो सोचता है कि सिविल की तरफ जाएं, तो अब तो खैर यूट्यूब पे मैटर भी ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। वो देखता है कि हाँ अमुक व्यक्ति ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर के आई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या IAS बन गया, IPS बन गया, PCS बन गया, XYZ जो भी है। तो जब वो बताते हैं कि हाँ ऐसे हो जाता है, उसके अंदर एक ख्वाब चलने लगता है। अच्छा, कोचिंग संस्थान भी इस सपने को भुनाने के लिए बैठे रहते हैं। यहाँ किसी भी आपके बड़े शहरों में आता है तो देखता है कि किस कोचिंग से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए पोस्टर लगे हैं, इन सब चीज़ों को देखता है और वहाँ जाके पता करता है। तो और ये खासकर ग्रामीण, नहीं ग्रामीण और शहर लगभग दोनों में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने ज़्यादा देखा है। तो बच्चे पहुँचते हैं, पता किए और कि कितने का है, उन्होंने कहा ये 1.5 लाख का पैकेज है, मेरा फाउंडेशन कोर्स है। वो ब्लाइंडली आके एडमिशन ले लेते हैं, और एडमिशन जब ले लेते हैं तो पहले तो उनके यहाँ जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, 2 महीने तक थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है, खुश रहते हैं, अपने आप को मिनी ऑफिसर मानना चालू करते हैं। लेकिन जैसे कुछ समय बीतता है फिर उनको एहसास होना चालू होता है कि अरे ये मैंने क्या गलती कर दिया, यहाँ तो सब कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ से थोड़ा सा विक्षिप्त होते हैं, तब फिर वो नए की तलाश में निकलते हैं। ऐसे करते 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 उनकी एक लंबी जर्नी बीत जाती है और फिर धीरे धीरे ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या डेवलप होनी चालू हो जाती है जो उनको या उनके गार्जियन के आस पड़ोस किसी को एहसास नहीं हो रहा होता है। इस परेशानी में जब वो एक बार कुचक्र में पड़ जाते हैं तो निकलना थोड़ा दुरूह हो जाता है। इसके साथ ही एक और मनोवैज्ञानिक समस्या उनकी ये होती है कि वो उनका ईगो हर्ट कर जाता है। ईगो हर्ट ये कर जाता है कि वो जल्दी जब सोचते हैं कि मैंने अब एक बार धोखा खा लिया है, और कोई अगला बच्चा अगर जो सीनियर समझा रहा है तो उसको अवॉइड करते हैं कि अरे ये तो इतने सालों से लगे पड़े हैं तो अब इनकी बात क्या माने, और अभी अभी हम बहुत कुछ हैं, तो देखिए अभी एक बार तो हो गया, अभी देखना अभी मैं क्या कर देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर लाइफ में किसी व्यक्ति को सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरे के अनुभवों से सीखा जाए। मैंने अपने जीवन में ये गलतियाँ किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी जो है जूनियर में कोई मेरे साथ के हो, लाइफ में कभी ये गलतियाँ ना करें, कि वो अपने से ही प्रैक्टिकल कर करके सीखें।
यदि कोई साथ के हैं, सीनियर हैं, और किसी का देखिए, कोई एक बार में सफल हो गया है वो आपको उतना अच्छा नहीं बता पाएगा जो बार बार असफल हुआ है उसकी तुलना में। तो जिसने ज़्यादा ठोकर खाई है उससे आप मिलिए और उनसे पूछिए कि किन किन कारणों की वजह से आप असफल रहे हैं। कम से कम आप उन गलतियों से अगर बच जाएंगे तो आपके उतने साल बच जाएंगे, और अगर आप अपने ईगो को बचा ले गए तो निश्चित रूप से ऑफिसर आप ही होंगे। जी सर, जैसे कि इतनी बड़ी जर्नी है ये, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, तो मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं कि लगातार वो अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं पूरे एग्ज़ाम के लिए? देखिए, डीमोटिवेशन के तो चरण बार बार लाइफ में आते हैं, जैसे फेलियर मिलता है तो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन यह है ना कि उम्मीद की किरण फिर आस पड़ोस से ही जगती है। और आप जैसे यूट्यूबर हैं कि उनमें जो है एक कहते हैं ना, दिया जब बुझ रहा होता है तो तेल डालने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप परेशान मत होइए, और दुनिया का अंत यहीं नहीं है, आप भरोसा रखिए, लोग सफल हो रहे हैं आपके बीच से ही, और देखिए आपके बीच से वो लोग सफल हो रहे हैं जिन पर आप विश्वास कर नहीं सकते हैं। दिखने में वो लगते नहीं कि ये कभी ऑफिसर बन पाएंगे और ये कभी सक्सेस हो करके आपके सामने आ पाएंगे, और अचानक आपको ये मैसेज मिलता है कि हाँ देखिए वो सफल हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से लग करके काम करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने सोचने होंगे। और कायदे में आप अपने फ्रेंड सर्किल में अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो अगर आपके फ्रेंड सर्किल में 10 लोग हैं और वो लाइफ टाइम वो पूरा फेलियर बार बार होते रहे हैं और एक नहीं 10 बार फेलियर हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम उनके संगत को त्यागिए, उनसे दूरी बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, जब आसपास नकारात्मक माहौल होता है, उस नकारात्मक माहौल के साथ में आप एक सकारात्मक चीज़ों का बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। आप सकारात्मक व्यक्तियों के साथ दो फ्रेंड बनाइए, लेकिन ये है ना कि आप जब भी मिलिए तो पढ़ाई की बातें हो, नकारात्मक चीज़ें ना हो। और जैसे कि आप, वो ढेर सारे दोस्त हैं, आप प्रेम पूर्वक मना कर सकते हैं, मना करने क्या, आप जब वो मिलें तो आप उनसे सिर्फ पढ़ाई संबंधी ही बातें करिए, देखिए वो खुद से ही रास्ता बदल देंगे और वो आपसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। तो आपको उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है, सकारात्मक व्यक्तियों से मिलने की ज़रूरत है, और आप जैसे लोगों का यूट्यूब चैनल अगर वो देख रहे हैं तो इससे फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। जहाँ प्रेरणा जहाँ से मिले आप प्रेरणा वहाँ से लीजिए, नकारात्मक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। लास्ट में कोई आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज या संदेश देना चाहें जो तैयारी में आना चाहते हैं या फिर तैयारी हो सकता है कर रहे हैं उनके लिए? जी, मैसेज तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर आपके सपने हैं तो सपने पूरे करने के लिए, देखिए दुनिया में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सपने यूं ही झट से पूरे नहीं होने हैं। आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा और उसके सामने चुनौतियां चैलेंजेस क्या हैं वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए जो सकारात्मक, क्योंकि वो नकारात्मक बदलते ही ना, आप जैसे देखते ना, कोई सकारात्मक है एक कदम आगे गया और अगर आप नकारात्मक है एक कदम पीछे गए, आपके दोनों के बीच की दूरी दो कदम की बढ़ जाती है। अब चले एक एक ही फासले हैं, दूरी दो कदम की बढ़ जाती है। तो आप सकारात्मक बने, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, और सबसे बड़ी बात कि आप समय की कीमत को समझें। अगर आप समय के मूल्य को नहीं समझ पाए तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो समय आ गया है, अगर आपके लाइफ से IAS या PCS का अटेम्प्ट खत्म हो जा रहा है तो शायद ये अगले ही जन्म में ये मौका मिले, तो आप इस मौके को ना जाने दीजिए, और इसको ट्राई बाल की तरीके से मत खेलिए कि चलो इस बार ट्राई करते हैं, इस बार ट्राई करते हैं, और एक जो है टाइम टेबल के तहत आप एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ मेहनत करिए, और ईश्वर पे आस्था रखिए, दोस्तों का सहयोग रखिए, बना के रखिए, सब कुछ सफल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। देखिए, उसका उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ, मैंने इतनी बार नौकरी पाई, लेकिन इसके बीच में बहुत बार मैं भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से मैं बहुत बार जूझा हूँ, टूटा हूँ, टूट के बिखर भी गया हूँ, लेकिन ठीक है, देखिए जो कुछ भी हुआ अंत में मैंने अपने आप को संभाला, मेरे जीवन पे जो दाग लगा था मैंने उसको धुला। तो मैं इस स्थिति, इस उम्र में अगर ये चीज़ पा सकता हूँ तो जो मेरे से कम उम्र वाले हैं, अधिक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही लगे रहिए लोगों के भविष्य के लिए, आप मोटिवेशनल काम करते रहिए, और देखिए आपके कार्यों का आशीर्वाद जो है ना,
कहते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ब्याज समेत आपको ये लौट के मिलता है, तो ये आपको भी मिलेगा और जो हमारे व्यूअर्स हैं या हमको देखने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, उनको भी मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? हमें लगता है कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा और मोटिवेशन की बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी होता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।